आज के टाइम पे 1 लीटर का जो इंजन आता है उसका जमाना है। 1 लीटर में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार कितनी ही पावर निकाल लेगा, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर आप देखें तो 1.2 लीटर का इंजन आता है और बाकी गाड़ियों के अंदर देखें तो 1.5 का इंजन भी आता है, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड होता है। लेकिन 1 लीटर का जो टर्बो चार्ज इंजन होता है काफी कंफ्यूजन वाला इंजन है, कि कई लोगों को लगता है कि अंडर पावर रहेगा, कई लोगों को लगता है ठीक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है VW की वर्टस, ये 1 लीटर के टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी भी है, वो भी आपको बताएंगे। तो आपको 250 NM तक का टॉर्क निकाल के दे सकती है। ओ रे बाप रे, ओ क्यों निकालती है उसके बारे में बात करेंगे। और इनके जो ओनर है हर्षल भाई, क्या हाल है भाई? कांग्रेट्स भाई, आपको सबसे पहले गाड़ी के लिए जो आपने VW की गाड़ी परचेस की है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो VW की गाड़ी आज के टाइम में प्रेफर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सब जानना चाहते हैं कि भाई इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जिसको चूज किया जाए। हाँ, हाँ मेरे को 3 महीने हो गए इसको चलाते हुए, एंड जो मेन मेरा पर्पस था इसको लेने का वो था कि ड्राइविंग डायनेमिक्स। ओके, मेरे पे पहले i20 थी डीजल। i20 थी डीजल। अच्छा, एंड सबको पता है i20 अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, बट उसको चलाने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड 2019 वाली थी, डीजल थी। ओके, एंड डीजल पे पहले तो मेरे को थोड़ा डाउट था पेट्रोल पे स्विच करना कैसा रहेगा, ठीक है। बट हाँ, i20 के साथ क्या था, उसकी ओवरऑल तो अच्छी थी गाड़ी, चलाने में भी ठीक थी, बट अगर आप 100 से प्लस जाते हो या लॉन्गर जर्नी में जाते हो ना, उतना कंफर्टेबल नहीं थी, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उस गाड़ी में। अब एज अ ड्राइवर बात कर रहे हैं, एज अ ड्राइवर, एज अ ड्राइवर की मतलब लॉन्गर जर्नी में मेरा जो मोस्टली रन होता है वो हाईवे पे रहता है, ठीक है, अराउंड 200-300 इतना का रहता है, ठीक है, ठीक है। वीक में 2-3 बार चंडीगढ़ वगैरह चला जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वर्क, तो वैसे तो इनोवा वगैरह भी है, बट उसको बार बार लेके जाना थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाता है। तो आपका मिक्स एक्सपीरियंस है, एकदम MPV सेगमेंट जो टोयोटा गाड़ी है, फिर हुंडई कंपनी, फिर VW आ गया। VW आपने कब परचेस की थी? VW मैंने फेब में ली थी, फेब में इसी ईयर में 2023 में, ठीक है। उससे पहले वी आल्सो हैव अ सुपर्ब इन द हाउस एंड टिगुआन ऑल स्पेस, तो जो पुराना एक्सपीरियंस है विद द जर्मन्स वो अच्छा है काफी। अच्छा, एंड पहले मैं इसको नहीं देख रहा था, सबसे पहले मेरा था कि मैं इनोवा को निकाल के हाई क्रॉस वगैरह ले लूं, बट देन की मेरा थोड़ा बजट का हो गया, तो देन मेरे पे एक ही ऑप्शन था कि मैं सेडान उठाऊं डायनेमिक्स वाइज, ठीक है। एंड उसपे उसके बाद आती थी आपकी वरना होंडा सिटी एंड द वर्टस। तो सेडान लेने का मतलब मेन रीजन कुछ होगा आपका? डायनेमिक्स, ओनली डायनेमिक्स, ओनली चलाने में मजा आए। आप इसको सिंगल चलाते हैं या फिर बाकी? नहीं, लोग मैं सिंगल चलाता हूँ, ये 10,000 मैंने ऑलमोस्ट मैंने खुद ही चलाई है, अकेले चलाई है, ठीक है। मैंने कोई ड्राइवर को नहीं दी, ना घर पे कोई और चलाता है, मैं ही चलाता हूँ, मतलब सिर्फ ड्राइवर पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने आज तक इसके पीछे बैठ के चलाई नहीं है कभी, मतलब पीछे कभी बैठ के गया नहीं है, शोफर ड्राइविंग कभी नहीं किया, 10,000 मैंने खुद चलाई है, जितनी चलाई है। ड्राइविंग वाइज इफ यू कंपेयर विद अदर्स इन द सेगमेंट लाइक होंडा सिटी या वरना है, स्लाविया, वो तो एग्जैक्टली सेम है इसके, बट द थिंग विद द स्लाविया, मेरे को पर्सनली, वो पर्सनल बेस पे बता रहा हूँ, मेरे को डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगा। क्या अंदर का नहीं, मेरे को बाहर का इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं वर्टिस पे गया। एंड उसके अलावा इफ यू कंपेयर इट विद द होंडा सिटी और वरना, उनके हिसाब से इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है ऑन द हायर स्पीड, लाइक 100-120। वरना में इतना नहीं है, पुरानी वाली में भी और नई वाली में भी जो अभी आई है। एंड होंडा सिटी को मेरे को पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, बट वो ज्यादा कंफर्टेबल है इससे, वो मैं कहूंगा कंफर्टेबल वो ज्यादा है। हाँ, होंडा सिटी ज्यादा कंफर्टेबल है, सस्पेंशन सेटअप भी बेटर, ये काफी स्टिफ है। ओके, सस्पेंशन स्टिफ है। हाँ, इनकी सस्पेंशन स्टिफ है, उसकी सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है और हाईवे पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है, बट कॉन्फिडेंस इसमें ज्यादा आता है क्योंकि सस्पेंशन टाइट है, तो आपको कॉर्नरिंग में हाई स्पीड के ऊपर थोड़ा बेटर फील होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस 1 लीटर इंजन, ये जो आपकी स्पेशलिटी है, इस गाड़ी की स्पेशलिटी है, अभी आई हैव आल्सो मेड सो मेनी वीडियोस अबाउट दिस इंजन, ये अंडर पावर्ड है या कैसा है। हाँ, इनका इंस्टाग्राम चैनल भी है, हाँ, तो अगर फॉलो करना चाहिए यहाँ पर आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसपे मेरे को था कि 1 लीटर, मेरे को पहले भी डाउट था, बट 1 लीटर इज मोर देन इनफ पावर के मामले में। हाईवे पे क्रूज करना है या कहीं पर जाना है तो कोई इशू नहीं है, मैं पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ, डलोजी लेके गया था, 4 दिन थे गाड़ी में, तो इट वॉज ओके। तो इससे पहले आपने कोई 1 लीटर और ट्राई किया था? नहीं, 1 लीटर और कोई ट्राई नहीं करा था, सब यही। ये VW मेरा फर्स्ट 3 सिलेंडर इंजन है घर पे, और कोई 3 सिलेंडर गाड़ी थी भी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत चलो डाउट रहता है 3 सिलेंडर है 1 लीटर, बट यू नो इट्स अ VW। तो उसके बाद मेरे को कभी कभी लगता था कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमी है, सो आई गॉट इट ट्यून्ड स्टेज वन ट्यून करवाया, एंड जो पहले आउटपुट थी दैट वाज अराउंड 115 BHP एंड 178 का न्यूटन मीटर समथिंग का टॉर्क है। अब ये गाड़ी आफ्टर द स्टेज वन इज प्रोड्यूसिंग 145 BHP एंड ऑलमोस्ट 250 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब टॉर्क इज ऑलमोस्ट एज सेम एज द 1.5। अभी इसका जो पावर आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करता है मौसम, वेदर वगैरह का। अच्छा, अगर आप देखो पंजाब में टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास रहते हैं, आज भी हम शूट कर रहे हैं पंजाब में गुरदासपुर में, तो टेम्परेचर काफी हाई है।
तो उसके उस पे भी परफॉर्मेंस का काफी मतलब इफेक्ट पड़ता है इस ट्यून में, और फ्यूल का भी पड़ता है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हो ना तो इंजन के लिए, जो ट्यून इंजन है स्पेशली वन लीटर वाले, उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहता, मतलब इंजन में दिक्कत आ सकती है। सो इसमें अभी जो ट्यून है उसके अकॉर्डिंग टू मेरे को मिनिमम पावर या XP95 डलवाना पड़ता है इसमें। अच्छा, मतलब नॉर्मल आप डलवा नहीं सकते? नॉर्मल में डलवा नहीं सकता, वो थोड़ा डिसएडवांटेज भी है क्योंकि कई बार XP95 अवेलेबल नहीं होता या पावर अवेलेबल होता, तो आपको यहीं से डलवा के जाना होता है। डलवा सकते हैं पेट्रोल नॉर्मल भी, बट उसको फिर आराम से इसको चलाना पड़ता है, इसको भगा नहीं सकते या हायर RPM पे नहीं रख सकते जैसे हम भगाते हैं या कुछ करते हैं। तो एक टाइप से स्पोर्ट्स कार बन गई नॉर्मल पेट्रोल डल नहीं सकता। हाँ, नॉर्मल पेट्रोल इसमें बहुत रेयर, अगर डलवा रहे हो तो इसको भगाओ मत। अच्छा, ये चीज है। कोर 6 से ट्यून करवाया, कोर 6 क्यों? क्योंकि उनका ट्यून काफी रिलायबल रहता है, और किसी का मैं ये मोहाली में है ना, मोहाली में है, काफी जगह और भी है, कोची में है, हर जगह है। अच्छा, डीलर्स है उनके, तो उस हिसाब से इट इज प्रीटी रिलायबल। मैं अपनी फिएस्टा के साथ भी कोर 6 रन कर रहा हूँ एंड इट इज प्रीटी गुड एज ऑफ नाउ। उसको भी 3-4 महीने हो गए। और क्या क्या चेंजेस कराए अपनी गाड़ी के अंदर? और मेनली जो चीज है, एक तो हमने फॉग लैंप्स है ना उसको अपग्रेड किया LEDs में। इसके जो स्टॉक में आपको हैलोजन्स मिलते हैं वो उतना उनका थ्रो इतना अच्छा नहीं है, तो हमने LEDs अपग्रेड किए हैं और फ्रंट में डीक्रोम की है सारी गाड़ी। हाँ, आगे से पीछे से ये वाले ना ये जो आते हैं, ये जो सारे क्रोम में आते हैं हमने डीक्रोम किए हैं। थोड़ी सॉरी गाड़ी थोड़ी सी गंदी है बिकॉज वेदर नहीं, कोई नहीं, वो तो चलता रहता है। एंड उसके अलावा जो बाहर हमने कुछ मेजर नहीं किया, एक बस स्पॉइलर डाला है हमने पीछे। स्पॉइलर ये कौन सा? रेडी टू इंस्टॉल वाले स्पॉइलर है? नहीं, रेडी ये GT में आता ना। हाँ, डिक्की भाई ये OEM नहीं है। ओके, ये आफ्टर मार्केट है, बट हमने अच्छे से इसको पेंट करवाया है अपने हिसाब से। ठीक है, एंड उस हिसाब से हमने लगाया है इसको, हमने 3M की टेप से चिपकाया अभी तो। अच्छा, हाँ उससे चिपकाया। इससे कुछ बेनिफिट मिला आपको ड्राइविंग में? बेनिफिट नहीं होगा, ये सिर्फ लुक के लिए, लुक है, के लिए है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ लुक के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अच्छा अलावा... इसमें ना एक चीज रहती है सिडान गाड़ियों के अंदर, अगर मैं देखूं तो जनरली दिक्कत ये होती है ग्राउंड क्लियरेंस की। हाँ, इसमें आपको कभी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू फील हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ। मैं दैट वाज मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। मेरे को एक्चुअली जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो मेरे को भी नहीं पता था इसमें 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ओके, तो 180mm मतलब प्रैक्टिकल है सेडान गाड़ियों के अंदर, क्योंकि अगर आप अराउंड द कॉर्नर्स को नहीं पुश कर रहे। अच्छा, अराउंड द कॉर्नर्स आपको बॉडी रोल फील होगा, ऐसा लगेगा कि गाड़ी झूल रही है। ठीक है, इतना भी नहीं बट है इसमें। बट अगर आप ऐसे नॉर्मल बायर हो, आप इसको अराउंड द कॉर्नर्स पुश नहीं कर रहे, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये गाड़ी। आराम से आप कहीं भी लेके जा सकते हो, 4 जन बिठाओ तब भी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस। तो 4 जन बिठाने के बाद इसके सस्पेंशन दबते हैं कुछ ज्यादा? दबते हैं, ये मैं कहूंगा दबते जरूर है। जैसे मैंने होंडा अमेज का एक वीडियो देखा था, उसमें सस्पेंशन मतलब ये टायर है ऑलमोस्ट बॉडी पे टच कर गया, ऐसा तो नहीं होता ना? वैसा नहीं होता, बट ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत दबते नहीं है, दबते हैं बट ज्यादा नहीं दबते। ठीक, बिल्कुल 1-2 इंच का फर्क पड़ता होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक। एंड 4 जन बिठा के डलोजी भी लेके गया हूँ। हाँ, लगेज था पूरा डिक्की में। हाँ, एंड उसके बाद भी गाड़ी कहीं नीचे से लगी नहीं डलोजी के। अगर आपको पता होगा वही गया एरिया गया में, वो बहुत गंदे रास्ते, बहुत गंदे, बहुत गंदे है। तभी फॉर्च्यूनर भी कहीं ना कहीं टच हो ही जाती है, ऊपर नीचे टच नहीं होती, इसका ये एडवांटेज है। ठीक, ठीक। बट जो मेरा फ्यूचर प्लान है कि इसको लोअर करेंगे आईबैक्स के स्प्रिंग्स पे, स्प्रिंग्स पे, तो अगर लोअर करेंगे तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत वो तो दिक्कत आएगी फिर। बट वो है कि अगर आप इसको इन गाड़ियों को रख रहे हो, तो मेरा तो जो है कि ट्यून करवाने का भी यही था कि इसको कई रैलीज में या कई ट्रैक पे भी लेके जाए। रैली का प्लान आपका? हाँ, ट्रैक्स पे भी लेके जाए, दिल्ली में जो है ट्रैक वहाँ पे भी लेके जाए, वो प्लान है हमारे। तो अराउंड द कॉर्नर कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी लोअर होती, एक तो लुक भी अच्छी आती एंड कॉर्नरिंग में भी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता। अच्छा, तो आप जो आपने ट्यून अप किया है तो आपने 1.5 का सोचा नहीं? 1.5 जो मैंने गाड़ी प्लान की थी पर्सनली, तो मेरे को 1.5 बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगा। अच्छा, उस टाइम DSG था अकेला, अब तो मैनुअल भी आ गया है ना। आपको सिर्फ मैनुअल में ही चाहिए था? मेरे को मैनुअल चाहिए थे, मेरे को ऑटोमेटिक पर्सनली चाहिए नहीं था, मेरे को अच्छी लगती थी। अगर उस टाइम मैनुअल होता 1.5 में तो डेफिनेटली मैं लेता। स्लाविया में थी ऑप्शन, बट मेरे को पर्सनली उसका डिजाइन मैंने जैसे बताया अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई मैंने वो अवॉइड की। ठीक है, वो बूट देखे आपने? ओके, ये काफी बड़ा है। हाँ, अच्छा, ये जो हिंजेस नीचे की तरफ आते हैं ये दिक्कत करते हैं कभी? नहीं, ये इतनी दिक्कत नहीं करते एक्चुअली। मतलब मैंने बड़े बड़े सूटकेस इसमें लोड किए हैं। हाँ, 2 बड़े सूटकेस और 2 छोटे सूटकेस आ जाते हैं आराम से। साइड में जैसे छोटे छोटे बैग्स या कोई पॉलिथिन वगैरह हो, बैग्स वगैरह वो आते हैं, तो ज्यादा नहीं होता। एक दिक्कत है इसमें, ये जो स्प्रिंग्स है ना, ये आफ्टर समटाइम्स आपको एडजस्ट करवाने पड़ते हैं फ्रॉम द डीलरशिप। हाँ, क्योंकि जैसे आप बूट ओपन करते हो जैसे हमने की, तो ये अपने आप ऊपर जाती है ना, तो ये इसका मैंने बनाया
भी था मीम की हंसा, बट ये ऐसा इसको एडजस्ट करवाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़े ढीले वाला शायद हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो उस चक्कर में बाकी बूट इज मोर देन सफिशिएंट इस डांस में, तो आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा। काफी बड़ा यार इसमें, तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा है एंड वरना का एक दो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। प्रैक्टिकलिटी वाइज बहुत अच्छी है गाड़ी, स्पेस वगैरह अच्छी है। ठीक है चलो गाड़ी बैठते हैं अभी और गाड़ी को थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद एक बहुत ऐसी वाली फीलिंग आती है, आप एक थोड़ी सी लग्जरी टाइप वाली फीलिंग आती है इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। सॉफ्ट लेदर है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जो गियर का सिस्टम वगैरह है वो काफी बढ़िया है। और हाँ, इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस अंदर भी कराए हैं, मतलब अंदर मतलब गाड़ी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस किए हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्टेज वन ट्यून्ड है आपको वो दिखाते हैं। और ये देखिए हम कहां जा रहे हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़िया है जिसकी वजह से हम यहां तक भी आ सकते हैं। तो अभी हाईवे के ऊपर जाते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया है कि नॉर्मल पेट्रोल डलवा नहीं सकते, तो इनको एक मेन डर रहता है कि भाई हमेशा मेरे को X95 या फिर पेट्रोल पावर इंजन चाहिए, पावर पेट्रोल चाहिए। लॉन्च करेंगे यहाँ से, पहला गियर लग चुका है, ट्रैक्शन ऑफ करना पड़ेगा। इसका आरपीएम मीटर ये रहा, चलो रेडी है। अरे रेडी ओह 6000 आरपीएम तो ऐसे पहुंच गया ये। कितना खींच सकते हैं इसको, 93 किलोमीटर पर आवर, 100 तक पहुंच गए आराम से हम लोग, 100 तो ऐसे ही पहुंच गए। और कॉर्नरिंग पे देखो क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब हम कॉर्नर कर रहे हैं पूरा 100 से ऊपर, 109 की स्पीड के ऊपर हम कॉर्नर कर रहे हैं, तब भी बॉडी यहां से वहां नहीं ली। मेनली रीजन ये भी है, सस्पेंशन थोड़ा जो बता रहे थे कि टाइट सस्पेंशन है जिसकी वजह से गाड़ी का जो बॉडी रोल है वो कंटेन रहता है। और दूसरा जो सीट्स का बॉलस्ट्रिंग है ये वाला जो एज भी निकला हुआ है, ये काफी बेहतरीन तरीके से होल्ड करके रखता है बॉडी को। और जैसे ही हमने इसको लॉन्च किया था तो गाड़ी है ना हल्का सा आगे से उठ भी गई थी। हम लोग पीछे पुश भी हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये नॉर्मल 1 लीटर में नहीं होता जो नॉर्मल आपने अगर पहली वीडियो देखी उसमें कुछ नहीं था इतना कि गाड़ी पीछे पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। नॉर्मल जैसे गाड़ी चलती है। अगर स्टेज टू कर दे, स्टेज टू हम प्लान कर रहे हैं, बस अभी जो सेटअप रहेगा डाउन पाइप डालनी है, स्टेज टू का ट्यून हमने डालना है। मेरी स्टेज टू रेडी है गाड़ी। और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस कराए हैं आपने? जो हमने जो मेन चीज किया वो VCDS ट्वीक्स होते हैं। हाँ। सबसे पहले जो 1 लीटर के साथ आपको ब्लू कलर का क्लस्टर मिलता है, जो ये वाला स्पीडोमीटर मीटर है, ये हमने पर्पल चेंज किया। हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो ट्वीक्स के थ्रू ही होता है, कोई भी कलर चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से बार बार चेंज कर सकते हैं? हाँ, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, मतलब वहाँ जाना ना पड़े, यहीं से वहाँ जाके जहाँ से भी आप करवाना चाहते हो। अच्छा। जैसे जो मेरा भाई है वो फिलौर में करता है एंड वहाँ मेरे को जाना पड़ता है, या वो कभी कभी अमृतसर या गुरदासपुर आता है यहाँ पे कर देते हैं। ओके ओके ओके। उसके अलावा जो आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पे, तो कभी कभी VW स्कोडा में ऐसा होता है ये चलता नहीं है, मतलब कभी कभी जैसे आप गाड़ी हॉल्ट पे आती है तो ये गाड़ी बंद नहीं करता, तो इसके पीछे रीजन नहीं पता होते। बट हमने जो इसमें एक्टिवेट किया कि आप जब व्हीकल स्टेजेस में जाओगे ना, ये छोटा सा बटन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इंजन स्टार्ट स्टॉप में। अब आपको हर एक इसका इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन काम क्यों नहीं कर रहा। जब भी आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, फिर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इंजन जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है वो काम क्यों नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे अभी कुछ रीजंस बता रहा है, तो दैट्स व्हाई, वरना लोग कंफ्यूज होते थे कि अच्छा क्लाइमेट कंट्रोल ऑन रहेगा तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप काम नहीं करेगा, मतलब एसी ऑन रहेगा तो। मोस्ट कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता, जब रिक्वायरमेंट हो या वही टेम्परेचर चेक करता है गाड़ी का टेम्परेचर क्या है और जो डेजिग्नेटेड टेम्परेचर है। और हाँ, गियर बॉक्स में भी कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि 1 लीटर का मैंने जो चलाया था वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था गियर बॉक्स, हमने मतलब फंसता भी था कहीं कहीं जगह पे और थोड़ा वो भी करता। हमने इसको अकॉर्डिंग टू जो हमने ट्यून किया उसके हिसाब से हमने इसको ट्यून किया है कि ये इसके गियर जो शिफ्ट है काफी स्मूथ है एंड ये थोड़ा स्मूथ तो हो गए। हाँ, काफी स्मूथ और एकदम नॉची हो गए, जहाँ पर आपको लगाना है वहीं लगता है, फिट होता है, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती यार कौन सा लग गया क्या लग गया। आपने स्टॉक चलाई होगी तो उसमें काफी जर्की फीलिंग है, गियर जर्की फीलिंग थी। और मेनली जो हम क्लच दबा के हम गियर चेंज किया, ये देखो नॉर्मल है ऐसे, अगर ये देखो कितना स्मूथली फिट होता है। जो दिक्कत होती है ना गियर बॉक्स के साथ वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। और ठीक है, और आपने और क्या चेंज किया इसके अंदर? और भी काफी सारे फिल्टर चेंज किया था ना आपने? फिल्टर हमने, क्योंकि हमने स्टेज वन ट्यून किया है तो हमको BMC का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालना पड़ता है। हमारा स्टिकर भी लगा आपकी गाड़ी के पीछे, स्टिकर भी लगा हुआ है। अब इसके कुछ प्रोज भी और कॉन्स भी है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये जो एयर परफॉर्मेंस फिल्टर होते हैं इसको हर 1000 किलोमीटर के बाद क्लीन करना पड़ता है। 1000 किलोमीटर? हर 1000 किलोमीटर के बाद हमको क्लीन करना पड़ता है। अच्छा। बिकॉज ये फिल्टर्स, अगर आपने स्टॉक देखा होगा, ये फिल्टर्स है ये काफी ज्यादा इनमें खुले होते हैं, मतलब एक्सेस देते हैं ज्यादा एयर इनटेक करने के लिए, तो इनमें डस्ट वगैरह काफी ज्यादा
आ जाती है। हम लोग देखो पूरा एकदम लेग स्पेस निकाल के बैठ गए, पीछे देखो पीछे फिर भी काफी स्पेस है, पूरा एकदम रिक्लाइन करके बैठे फिर भी काफी स्पेस है। ओ रे बाप रे, ओ टायर बर्निंग की स्मेल यहाँ तक आ गई है। वो तो आएगी। मैंने तो ऑलरेडी सेट और मेरे को पता नहीं था ये करने वाले हो। मैं तो एकदम पीछे हो गया। सरप्राइज ना। अभी 132 अरे 130 पहुंच गई। 132 पहुंच। अरे बाबा रे बाबा। और इसमें माइल्स भी दिखाते हैं, कितने माइल्स की दिखा रहा है ये, हमने ऐड किया है साथ में। अच्छा, ऊपर माइल्स दिखा रहा है, नीचे किलोमीटर दिखा रहा है। ओके ओके। और भी हमने यहाँ पे जैसे रीफिल क्वांटिटी आ रही है, ये एग्जैक्ट बता दें कि गाड़ी को कितना लीटर फ्यूल चाहिए यहाँ पे। अच्छा, एंड और भी एक दो फीचर्स हैं जो हमने इसी में अनेबल किए हैं, मेनली ट्यून करवाने का। ये फिर वो उसमें जीटी मिलते हैं सारे फीचर की, ये गाड़ी ऐड करवाने पड़ते हैं। तो कंपनी क्या मतलब क्या चाहती है कंपनी हमसे? वो भाई पता क्या है जो मेन रीजन है, सोल रीजन है इनको ना ऐड करने का, विद द टाइम जब फेसलिफ्ट आएंगे ना। अच्छा, ये एक फीचर ऐड करते रहेंगे, फीचर ऐड करते रहेंगे, देन आपको मिलेंगे। अरे ये तो उनके पास मतलब कुछ और रह नहीं जाएगा, या तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा के हाँ। ये सब चेंज कर दे हाँ। वो करेंगे ने नेक्स्ट दो। अरे हाँ। बहुत जल्दी पहुंच गए हम। दो बार व्हील स्पिन क्या किया हम तो पहुंच गए। अभी जो एक जो एक दो दिक्कतें जो मेरे को यहाँ पे लगती है इंटीरियर में, वेंटिलेटेड सीट्स है इसमें है ना। हाँ, हाँ, बट जो वेंटिलेटेड सीट इतनी फील नहीं होती। हाँ, ये तो है कि फील नहीं। अगर यू कंपेयर इट विद सेल्टोस और क्रेटा है ना, इसी प्राइस रेंज में आपको वो मिल जाएंगी गाड़ी। हाँ, फील नहीं हो रहा है, मतलब फील नहीं हो रहा है। मैंने चला के रखा था आपका, आपने भी देखा होगा, ये आपको पसीना नहीं आने देंगी, ये चीज है। बट वो ऐसे फील नहीं हो रहा कि नीचे कोई हवा आ रही है, वो फील नहीं होता। अगर आप क्रेटा और सेल्टोस चलाते हो ना, उसमें तो एकदम फील होता है कि हाँ, यहाँ यहाँ से हवा आ रही है, ऐसा फील होता है। डजंट मैटर हमने कितना मोटी स्वेटशर्ट या कुछ पहना है। हाँ, मेरे को पहले लगता था मे बी मैंने मोटी स्वेटशर्ट पहनी है तो नहीं फील हो रहा, बट नहीं है, ऐसा ही है, फील नहीं होता। ये कुछ दिक्कत है इसके साथ। उसके अलावा इसकी ये विंडो की दिक्कत थी। जैसे क्या दिक्कत थी? ऑटो अप एंड ऑटो डाउन वाली ये अकेली विंडो है ड्राइवर साइड में, वही है। हाँ। कभी कभी होता था कि अगर आप इसको छोड़ देते हो दबा के, ये अपने आप ऊपर नीचे नहीं होती थी। अब उन्होंने अपडेट इसको किया है। हाँ। अब ठीक ठाक काम कर रहा है। तो आपके कहने का मतलब है अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो 50-60 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा निकाल के रखो। हाँ। अपडेट करा के ये सब फीचर ऑन करने के लिए। हाँ, ये अगर आप ले रहे हो ना तो एक जो मेरी अगर मानो वारंटी वगैरह हो जाता है, मतलब हिसाब किताब कर लेते हैं ठीक है, इसको सबसे पहले ट्यून करवाओ स्पेशली माल लीटर। बहुत बहुत चेंज आ गया इसमें। हाँ, सबसे ट्यून कराने से मतलब हाँ, जमीन आसमान का फर्क हो गया। हाँ, वो होता ये है। फील हो रहा है कि 1.5 लीटर जो स्टॉक इंजन आता है ना वैसा हाँ, चल रहा है। अभी इफ यू गो विद द स्टेज टू, जब हम पहले बात कर रहे थे हाँ, हाँ, उसमें तो मेनली हार्डवेयर चेंज होता है, डाउन पाइप पड़ती है एंड हाँ, आपका है कि आपको एग्जॉस्ट चेंज करवाना या नहीं करवाना, कैट डिलीट करवाना या नहीं करवाना, वो भी चीज होता है। रेसिंग कैट भी डल जाती है, बट उससे क्या होगा, पावर फिगर्स में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, टॉर्क में डिफरेंस आएगा। बूस्ट जो मिलता है ना गाड़ी में, ये पिकअप करते वक्त या भगाते वक्त वो ज्यादा मिलेगा, वो काफी ज्यादा डिफरेंस उसमें भी आ जाता है। एंड इट विल कॉस्ट मी अराउंड 20,000 मोर और मोर देन लाइक 25 मैक्स टू मैक्स 25 इतना कॉस्ट करेगा। अच्छा, एक और चीज इसमें को देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कैलिब्रेट योर टायर्स। हाँ, ये अगर जैसे आपके किसी टायर में हवा कम है। अच्छा, ये मैंने कुछ दिन पहले टायर में पंचर था तो हवा डलवाई थी एंड उसके बाद, ये बेसिकली टीपीएमएस भी नहीं कहूंगा, ये उसके बीच का जुगाड़ है। ये आपको ये नहीं पता किस टायर में कितनी हवा है, जिसमें भी कम होती है। अगर किसी टायर में हवा कम होती है सिर्फ एक वार्निंग दे देता है कि हवा कम है, हवा भरवा लो। सिंस रिफ्यूल मैंने 90 किलोमीटर चला दी है। 90 किलोमीटर चला, एवरेज स्पीड 22 की 22 माइल्स पर आवर। अच्छा, 22 माइल्स और 16 की माइलेज दे रही, 16 की माइलेज दे रही है, बहुत अच्छा है। तो ये ज्यादा भी देंगी, मतलब ज्यादा 16 इज एवरेज निकालना, मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे हमने लॉन्च किया है राइट, हम सुबह से चला रहे हैं, दो बार तो मैंने लॉन्च कर, तीन बार तो टोटल कर लिया। और लॉन्ग टर्म में क्या है, 15.8 ये भी अच्छा है, मतलब फर्क ज्यादा नहीं आया। सिंस स्टार्ट भी देखो 15 की माइलेज है, सिंस रिफ्यूल भी 15 के आसपास, 15 के आसपास ही माइलेज है, और लॉन्ग टर्म भी 15 की है, जिसमें 1,707 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ, ये 2 वीक्स की रनिंग है मेरी। हाँ, मतलब ठीक है यार, बहुत हाँ, बढ़िया चीज है ये। हाँ, तो फिर इसके ये कॉल्स आ गया ठीक है। हाँ, म्यूजिक और ये स्टोर में क्या, आप स्टोर में यू कैन लाइक बाय एप्स एंड एप्स डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पर्सनली अभी यूज नहीं किया इसको। वैसे टच तो तगड़ा है इसका। हाँ, टच स्क्रीन अच्छा है। हाँ, पहले कंप्लेंट्स थी जो फर्स्ट लॉट से हाँ, की लैगी है, बट अभी ठीक है, अपडेट्स आए जैसे जैसे
ये हमने ऐड किया है, ये ऑफ रोड मीटर है। व्हीकल एंगल, हाँ व्हीकल एंगल, सॉरी व्हील एंगल, हाँ स्टीयरिंग है ना जब घुमा रहा। अच्छा अच्छा, आपको ये दिखाता रहेगा कि कितना चेंज हुआ है। हाँ ये एल्टीट्यूड है, ऑयल टेम्परेचर है। एक जो मैं सबसे ज्यादा चीज रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके गाड़ी है ना, ऑयल टेम्परेचर उसको दिखाना चाहिए, स्पेशली जो ट्यून गाड़ी है ना उनमें ऑयल टेम्परेचर पे ना नजर रखनी पड़ती है। ये तो है, हाँ इनमें इतना ज्यादा पता नहीं लगता एक्यूरेट करके। एसी का कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल नहीं करना तो यहाँ से भी कर सकते। ये हमने खुद ये मैक्स मतलब पूरा मैक्स कर देगा। हाँ पूरा मैक्स कर दो, चलते आराम से चलते, जैसे चलाने आपको वैसे। ये आगे से निकल रहा है ये, ठीक है ये। अरे तीनों चालू हो सकते हैं? हाँ तीनों भी चालू हो रहे हैं, पहली बार देखा मैं, तीनों चालू हो सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी तीनों चालू हो रही है। और टच वाइज बहुत बढ़िया लगी यार। हाँ। वो भी अच्छा, मेरे को यहाँ से भी रीडेबल है कि क्या, और क्लीन है। हाँ, रात के टाइम पे थोड़ा डिम हो जाता होगा? नहीं रात के टाइम भी सेम रहता है, जब हेडलाइट ऑन करते हैं थोड़ा डिम हो जाता है, ऐसा ही रहता है। वो सेटिंग में आप कर सकते हो, सेटिंग में कर सकते हैं, सेटिंग में कर सकते हो। और ये क्या लिखा है, एंटी थेफ्ट डिवाइस? वैसे खुद का स्टिकर लगा है, जीपीएस आपने कुछ लगा रखा है? ये बस मैनुअल है, मैनुअल आजकल लोग कम ले रहे हैं, स्पेशली हम जो हमारे मेरी एज के हैं, वो सभी कहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक इज मोर, बट इसका मैनुअल काफी बेटर है, बेटर है, बहुत बेटर है, मतलब फटीग नहीं होता। हाँ, कि हाँ भाई कुछ चला रहे हो, मतलब इसकी जो गियर रेशियोज है, गियर टॉलर गियर है। हाँ, अगर आप सिटी में भी हो ना, सिटी में भी ज्यादा आपको गियर चेंज करने नहीं पड़ते, थर्ड में आराम से आप 20-25 में चला सकते हो, थर्ड गियर के ऊपर ना। और गियर की प्लेसमेंट भी अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि आपका जो पैर है यहाँ टच होता है बार बार, मतलब पेन करता है? नहीं करता ना, मेरी हाइट भी कम है ना, 5'6" मैं 5'6" का हूँ, तो मेरा तो नहीं करता। ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है मेरे लिए, कंफर्टेबल है, बट मेरे को इतना है कि सीट्स मेरे को लॉन्गर जर्नी के लिए। मैंने एक टाइम में 1000 किलोमीटर भी की है इस गाड़ी पे, ये 2 दिन में है ना, सीट्स मेरे को कहीं ना कहीं लगी थोड़ी ज्यादा कुशनी हो सकती थी, कुशनिंग। हाँ मेरे को जो पर्सनली लगा, थोड़ा हो सकता, लग तो रहा है कि थोड़ा और कुशनिंग होता तो बेटर होता। जो हमारा प्लान है आगे फ्यूचर में, इसमें पसार्ट्स की सीट डालने का। अच्छा, हाँ वी आर लुकिंग फॉर द पसार्ट सीट्स। आखिरी सवाल पूछा जाए आपसे कि इस गाड़ी को आप कितना रिकमेंड करेंगे, किस बात के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे? देखो अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हो, लाइक आपके फादर चला रहे हैं, एक ही गाड़ी रखनी है, तो फिर मत ले। आप बेस मॉडल वगैरह उठा सकते हो, अट्रैक्टिव प्राइस है, सब कुछ मिलता है आपको, है ना, सेफ्टी भी अच्छी मिलती है, सब सेफ्टी सबसे ज्यादा मिलती है। इंडिया के लिए सबसे सेफेस्ट कार है, नॉट फॉर द फर्स्ट पैसे, फर्स्ट का तो है ही, पीछे वालों के लिए भी ज्यादा ही सेफ है। दोनों में 5 स्टार स्कोर किया था इसने, फ्रंट एंड बैक पैसेंजर्स के लिए भी। बट अगर आप मतलब डे टू डे रन है आपका, लाइक दिल्ली वगैरह में रह रहे हो कहीं पे, है ना, और डे टू डे रन है, सिटी में ही रन है, इसको मत उठाओ, देन आई विल रेकमेंड समथिंग एल्स लाइक अ होंडा सिटी, जिसकी सर्विस भी सस्ती है और मेंटेनेंस उसका इतना करना नहीं पड़ता, इतना देखना नहीं पड़ता इसके जैसे, है ना। बट ओवर अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आप कुछ ना कुछ करवा ही सकते हो, ये फायदा है कि आपका हाईवे का रनिंग ज्यादा है, सिटी में बहुत कम है। मेरा सिटी में है ही नहीं, 95% मेरा हाईवे पे है, तो हाईवे के लिए जितना मेरे को अभी तक कॉन्फिडेंस आया, मतलब साइड बैठ के मेरे को कंफर्टेबल फील हो रहा है पहली बात तो, और कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये गाड़ी पिक करनी है तो पिक कर लेगी। हाँ पिक कर लेगी। ओवरटेक करना है तो ओवरटेक, ये कहाँ चल रहा है बंदा बैठ के, ये बस ऐसे ही बैठा है। कहाँ बैठा भाई ये बंदा? अच्छा दो लोग बैठे हैं, वो ही देख रहे हैं ये बंदा कहाँ बैठा है। मैं उनको रेकमेंड करूंगा, जैसे यंगस्टर्स हो गए हैं ना, उनके लिए तो अच्छी गाड़ी है, जिनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, कुछ भी करो इस पे, इसको स्टेज 1 करो, स्टेज 2 करो, स्टेज 3 भी कर सकते हो। हम इतनी देर से चला रहे हैं, लॉन्च भी किया, 16.1 की एवरेज दिखा रहा है, तो बहुत बेटर है। देखो 16, और ट्रैफिक के बीच में जाकर आए हम लोग, है कि नहीं, इसी में दिखा रहा था ना, 16.1 की एवरेज सिंस स्टार्ट, सिंस रिफिल भी देख लो तो 16.3, तो ये एवरेज कैलकुलेट करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। अब टैंक टू टैंक में पता नहीं कितना आता है, टैंक टू टैंक एक्यूरेट ही है इसका, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस 0.something का डिफरेंस होगा, मैंने बहुत बार किया। और 320 किलोमीटर और चलने वाली है कि चल चुकी है? हाफ टैंक में 320 और चलेगी। अच्छा, ये मेरी तो क्या ऑलमोस्ट 600 की माइलेज दे रही है क्या? नहीं ज्यादा दे देती है, लाइक हाफ टैंक, अभी तो हाफ टैंक है, अभी जैसे हमें भगाई भी है ना, राइट, तो जैसे मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मेरे को एक टैंक में 800 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। 800? हाँ 800 चल जाती है, ये तो डीजल के आसपास माइलेज दे रहा है भाई, बहुत आराम। क्योंकि मैंने स्टॉक गाड़ी है वो भी चलाई थी, और ये स्टेज 1 ट्यून्ड है ये भी चलाई है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है पावर के मामले में, माइलेज के मामले में, और हैंडलिंग वगैरह इन सब के मामले में, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चेंजेस तो हुए हैं ड्राइविंग के मामले में। तो अगर आपको भी स्टेज 1 ट्यून करानी है तो MB परफॉर्मेंस, वो मोहाली में है, उनकी फ्रेंचाइजी और भी कई कई जगह पे है, इनको भी फॉलो कीजिए, ये भी इस गाड़ी के बारे में बहुत कुछ डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय 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 गाइस।